एक गांव में एक सेठ रहता था जो किसी जमाने में बहुत धनवान हुआ करता था। जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत से पुण्य कार्य किए, गौशालाएं बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत सारे नेक कार्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया और एक समय ऐसा आ गया कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक बार राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हो तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वो ले जाए। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने सेठ से कहा, हमने भी तो बहुत सारे पुण्य कार्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले वो ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल में जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल में जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटियां बांधकर रख दी कि रास्ते में जब भी भूख लगे तो रोटी खा लेना। सेठ राजा के महल को रवाना हो गया। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। सेठ ने सोचा, सामने पानी का कुंड भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम किया जाए और रोटी भी खा लूंगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आ गई। सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया को डाल दी। अब कुतिया बहुत भूखी थी, वह बिना समय लगाए दोनों रोटियां खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे हैं जिनको इसे दूध पिलाना होता है, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटेगी और सेठ अपनी दोनों बची हुई रोटियां भी कुतिया को डालकर पानी पीकर अपने रास्ते चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए सभी कामों का फल देने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य कार्यों का कोई फल नहीं है, यदि और कोई कार्य किया हो तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य के कार्यों का भी कोई फल नहीं है तो और पुण्यों की गिनती करना बेकार है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई अच्छा काम किया था। सेठ ने कहा कि राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को बताया कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी और तुम इस पुण्य कर्म को भूल गए हो, कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहो वह मांग लो, वह तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने पूछा, राजा जी ऐसा क्यों, मेरे किए गए पिछले कर्मों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इतना मोल, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, सेठ तुमने जो पुण्य कार्य याद रखे उन्हें गिन गिन कर बताया, वो सभी कर्म बेकार हैं। यदि तुम कर्म करके वो किसी को सुना देते हो तो वो सभी कर्म बेकार हो जाते हैं, पर तुमने कल कुतिया को रोटी खिलाकर पुण्य कार्य किया और उसे भूल भी गए, यही तुम्हारा असली पुण्य कर्म है। इसके बदले तुम चाहे मेरा सारा राज्य मांग लो तो वो भी कम ही होगा। यह कहकर राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा किया और सेठ सेठानी
पहले की तरह फिर से रहने लगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।